सकते हो यार कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। और एक हमारा छोटा सा खेत था, दूसरा सा। 1:14 हो गया, चलिए खाक मिलता हूँ। ठीक है, हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे खेत में जो है रोपाई करना है, तो सुबह सुबह मैं आ गया हूँ खेत पे, देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा पानी भरा है, तो इसमें से पानी निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी केजल मारना है, गाड़ी आएगा तो दिखाता हूँ। यार देख सकते हो जितना दूर पूरा पानी पानी नज़र आ रहा है खेत में। इसमें से हम अभी निकालेंगे, वहाँ पे मिट्टी निकाल देंगे, उसके बाद पानी थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। पूरा भर गया है, उतना पानी ज़रूरत नहीं पड़ता, और कीचड़ करने के लिए उतना पानी में नहीं होगा, तो खाली करेंगे। यहाँ से पानी सब पूरा खाली होगा, देख सकते हो आवाज़ भी आ रहा होगा यहाँ से। इस लकड़ी को जो है निकाल देंगे, उसके बाद पानी पूरा खाली हो जाएगा। वीडियो बन रही, कंटिन्यू। यार भाई, पानी जितना स्प्रेड में जा रहा है ना, आधा से एक घंटा लगेगा इसमें खाली होने के लिए, उतना स्प्रेड में जा रहा है ना। आवाज़ तो सुन ही सकते हो कितना ज़्यादा स्प्रेड में पानी भाग रहा है। खाली हो जाना चाहिए आधा से एक घंटे में। और ना पल्ला है, धान का पल्ला उधर खेत में, तो उसको भी निकालना पड़ेगा, तो उधर जा रहा हूँ। किसान लोग देख रहे हो ना, तो एक लाइक बनता है यार, एक लाइक कर दो, ठीक है। अगर किसान नहीं कमाएगा तो कौन खाएगा, कहाँ से मिलेगा अनाज। यहाँ जो पल्ला है देख सकते हो उधर, वहाँ उसको ना निकाल के किनारे पे रख दूँगा। और वहाँ भी है, तीन चार जगह में है, वहाँ भी है थोड़ा सा, वहाँ भी तीन जगह पे है, ठीक है। उसको ना निकाल के किनारे पे रख देना पड़ेगा, और उसके बाद गाड़ी आएगा केजल मारने, तो इसको खाली करना पड़ेगा। और बारिश भी हो रहा है यार, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, बारिश भी चालू हो गया। ऐसे भी 2 सप्ताह की 1 सप्ताह हो गया, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश रोज़ होता है यहाँ, देख सकते हो बारिश भी हो रहा है, नज़र नहीं भी आ रहा होगा लेकिन हो रहा है, देख सकते हो। यार भाई, खेती करना भी आसान नहीं होता यार, कितना कीचड़ में जाना पड़ता है और सुबह सुबह उठना पड़ता है, देख सकते हो कितना ज़्यादा कीचड़ है यहाँ। ऐसे इसको ना किनारे पे रख देते हैं, केजल गाड़ी आ रहा है, अभी कॉल किया थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सबको ना किनारे पे करना पड़ेगा, बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। आगे आगे होता है क्या, देखते रहो।
यार भाई गाड़ी भी आ गया, देख सकते हो केजल गाड़ी उधर सामने। पानी भी थोड़ा खाली नहीं हो पाया क्योंकि पानी ज़्यादा था, इसलिए देख सकते हो पानी जितना बताया था उतना तो खाली हो पाया नहीं, और थोड़ा वक्त लगेगा, 2 से 3 घंटे भी लग जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी है, देख सकते हो खाली नहीं हुआ है, इधर थोड़ा थोड़ा हुआ है। यार भाई कितना मुश्किल काम है ना खेत पे ले जाना साइकिल पे खाद को, देख सकते हो कितना कीचड़ भरा है रास्ते पे, मतलब रास्ते नहीं है मेड़ है, वो खेत के किनारा है, ऐसे ही ले जाना पड़ता है हम लोगों को, और ऐसे ही हर चीज़ मतलब खाद वाद और खेत तरफ जाना पड़ता है ना, वैसे ही पैदल भी कीचड़ में। यार भाई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है देख सकते हो, और इधर खत छिटाई और रोपाई भी चालू हो गया है, देख लो उधर खत छिटाई भी चल रहा है और रोपाई भी चल रहा है, और पानी भी खाली भी नहीं हुआ है अभी तक देख सकते हो। और मैं इधर पानी निकालने के लिए आया हूँ यहाँ से फावड़ा लेके, तब भी खाली तो हो ही नहीं रहा है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीडियो को एक लाइक कर लीजिए यार, देख सकते हो पानी कैसे खाली हो रहा है। और मैं ना यहाँ पानी खाली करने के लिए 5:30 पे आया खेत पे, अभी 10:03 हो चुका है तब भी खाली नहीं हुआ है देख सकते हो, पानी था भी रोटावेटर मार दिया और चल दिया वहाँ। यार मोबाइल में भी पानी घुस गया, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, 10-12 हज़ार का मोबाइल है, और साफ कर देता हूँ। यार मेरे को अब कॉपर के लिए जाना है, जो मिट्टी उबड़ खाबड़ नहीं रहता उसको मतलब लेवल करने के लिए, मिट्टी लेवल करने के लिए वो खींचते हैं ना नांगर में, वही ले जाना है, मतलब यहाँ से
वो दिख रहा है ना घर, वहाँ से लेके यहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से बहुत वजन है यार, लकड़ी का है ना। तो चलिए, ये क्या है यार? मेढक है, मर गया है, देख सकते हो पैर निकल गया है एक साइड से। चलिए चलते हैं। यार भाई किसान काम आसान नहीं होता यार, देख लो कितना बड़ा वजन को मैं खान में ले रहा हूँ, और देख सकते हो कितना बड़ा है ये, और रास्ता भी देख सकते हो कितना कीचड़ भरा, रास्ते में जाना पड़ेगा। मैं थक चुका हूँ ऐसे भी, इतना ज़्यादा वजन देख लो। ठीक है, रास्ता देख लो, और वजन भी बहुत ज़्यादा है इसका, देख सकते हो भारी बहुत ज़्यादा है यार, और नीचे भी लग रहा है इधर, मतलब लंबा भी बहुत सारा है ना इसका। फिसलने का संभावना है। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ एक बार। देख लो कितना बड़ा है, और मेरे शर्ट पे देख सकते हो लग चुका है कीचड़, हाथ में भी देखो, थोड़ा सा धो देता हूँ तालाब में। और पैर में काटा लगा था यार, अभी देख लो, अभी निकाला हूँ, बहुत अंदर चला गया था यहाँ जी। अभी तो आधा रास्ता आया हूँ यार, और जाना पड़ेगा। वो देख सकते हो उधर दिख रहे हैं ना रुपाई वाले, वहाँ जाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे इधर से मतलब पानी के अंदर से किनारे किनारे जाके वहाँ उधर से ऐसे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ रखूँगा, और वहाँ भी नहीं और जाऊँगा तो उधर लास्ट पे। ठीक है, दो बार नीचे उतर चुका हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी वजन है कि नहीं, और वहाँ ले जाना पड़ेगा। वो दे बैला देख सकते हो, वहाँ नंगर जुताई चल रहा है, वहाँ ले जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ऐसे किनारे होते हुए ऐसे फिर उधर जाना पड़ेगा। मतलब ना मम्मी बिस्कुट ला दी है खाने के लिए, भूख भी लग रहा है। 1:14 हो गया, चलिए खा के मिलता हूँ। ठीक है, तो यार कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, और एक हमारा छोटा सा खेत था दूसरा साइड, तो उधर भी चल रहा है, तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है पूछो मत। देख सकते हो सभी लोग ना छाता लेके रोपाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, खाद भी छिट दी है यार, इसमें कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, मतलब पानी छोड़ना पड़ेगा ना। फाइनली यार हमारा रोपाई जो है ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो फाइनल हो गया रोपाई। तो आज का ब्लॉग को यार यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बारिश हो रहा है देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और नए आदमी देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए बाय।